डॉक्टर कमाल नियाज़ी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकलता है वो आज हमारे पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जुलूस निकलता है हर साल अंजुमन फैज़ानिया नियाज़िया निकालती है। इस जुलूस का ख़ास मकसद ये होता है, लोगों को ये पैगाम देना होता है पूरे दुनिया को कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम आलम के लिए आप रहमत बन के आए। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। तो हम इस जुलूस को निकाल के अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार रसूल की बारगाह में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और लोगों को ये बताने की बताया जाता है कि जो आए हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका आज जन्मदिन है, उनका आने का मकसद क्या था? लोगों में मोहब्बत पैदा करना, इंसानियत पैदा करना, अखलाक पैदा करना आकाए दो जहां का। उन्होंने हमेशा इसलिए हुक्म दिया है कि अपने जो भी तुम्हारे पड़ोसी हैं उनका ख्याल रखो, उनको तकलीफ़ ना हो, उन्हें परेशानी ना हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर के खाना खा रहे हो, तुम सही मुसलमान नहीं है, सही इंसान नहीं है। यही आपकी आल ने किया, यही तमाम औलिया अल्लाह का पैगाम है, खानकाहों का पैगाम है कि अमन शांति भाईचारा रहे। हमारा जुलूस की एक खासियत ये रहती है कि इसमें देखिए खानकाह नियादिया से ये जुलूस उठता है, अंजुमन फैज़ान नियादी। इसका ख़ास मकसद ये होता है कि और ख़ास खासियत यह है इसमें कि तमाम मज़हब के लोग भी होते हैं। इसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग भी होते हैं, सिख भी होते हैं और ईसाई भी होते हैं, कि ये एक पैगाम जाता है खानकाह से कि देखिए यहाँ मोहब्बत का है, नफ़रत नहीं है, मोहब्बत है। और ऐसे जुलूस निकाले को लोगों को तकलीफ़ भी ना हो कि रोड जाम हो रहा है, ज़्यादा वो हो रही है, परेशानी हो रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिनकी योम पैदाइश है ये हमारे किस बात से खुश होंगे, उन्हें क्या चाहिए था। वो ये चाहते थे मोहब्बत रहे, इत्तेफाक़ रहे, इत्तेहाद रहे, अखलाक रहे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचो, अपने आप तकलीफ़ उठा लो। तो हम अंजुमन निकाल के, जुलूस निकाल के ये लोगों को पैगाम देते हैं कि सब लोग आओ मिल के ये जश्न मनाएं, क्योंकि ये सब का है, सिर्फ मुसलमानों का इस पर इख्तियार नहीं है। कि एक सरदार जी शायर थे, उन्होंने कहा इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं,
सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो ये आपने शेर के अपने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का ये शेर है, उन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ मुसलमानों का रसूल पे इजारा नहीं है बल्कि तमाम आलम के लिए, हद ये कि जानवरों पे भी और जितने पेड़ पौधे हैं सब के लिए और जिन्नों इंसान के लिए आप रहमत बन के आए, हमें रहमत करना चाहिए और नरमी से पेश आना चाहिए, अखलाक से पेश आना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। अगर किसी से है कोई बात है तो गुस्सा ना करें आप, उसे मोहब्बत से प्यार से समझाएं, यही पैगाम है। इसी से हमारे मुल्क में तरक्की होगी, भाईचारा बढ़ेगा और अमन कायम होगा। और ये पैगाम खानकाह नियाज़िया से भी जाता है, तमाम दरगाहों से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तमाम दरगाहों से जिन्होंने करी, इंसानियत की खिदमत करी, उनके दरबार में आज देखिए हर मज़हब व मिल्लत के लोग जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ धर्म से उठ के लोग अपना पैगाम देते हैं। ये पैगाम है और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम हमेशा जारी रहेगा और कारामद होगा।